वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कटाकट अंडे की रेसिपी शेयर करूंगी। उसके लिए मैंने आधा टमाटर लिया है, बड़े साइज़ का टमाटर था उसको मैंने आधा कर लिया और उसको बारीक चॉप कर लिया। ये मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, कुटी हुई और रोस्ट की हुई लाल मिर्च है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ले लें, थोड़ा सा सॉल्ट है। ये कुटा हुआ भुना हुआ साबुत धनिया है और ये कुटा हुआ भुना हुआ सफ़ेद जीरा है। ये छोटे साइज़ की एक प्याज है, उसको मैंने चॉप कर लिया है। ये हरा धनिया है, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये आप टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं इसको। ये हरी मिर्च है, चार हरी मिर्च ही मैंने उसको बारीक काट लिया है। और ये दो अंडे हैं। अंडे में थोड़ा सा नमक डाल के मैं इसको बीट कर लूँगी। पैन में मैं 3 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। उसके बाद जो मैंने टमाटर चॉप किया था वो डालूंगी। और ये जो सारे मसाले थे, कुटा हुआ भुना हुआ जीरा, कुटा हुआ भुना हुआ धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च भुनी हुई और थोड़ा सा सॉल्ट, ये सारे मैं डाल दूंगी। और ये मैं हरी मिर्च भी डाल दूंगी। तो मैं मिक्स करती टमाटर गलने तक इसको मैं बनाऊंगी। थोड़ा सा टमाटर गल जाए हमारा। ताकि टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब इसके अंदर जो मैंने प्याज काटी थी वो डाल दूंगी। ये टमाटर हमारा सॉफ्ट हो गया, अब इसके अंदर मैं अंडे डाल दूंगी। ये मैंने 2 अंडे बीट किए थे वो डाल दिए मैंने। इसको मैं मिक्स करूंगी। इसको मुझे लो फ्लेम पे ही बनाना है, हाई फ्लेम नहीं करना है, मीडियम भी नहीं करनी है, बस सिर्फ लो फ्लेम पे ही मुझे बनाना है इसे। और इसको मुझे चलाते रहना है। अब ये टमाटर के टुकड़े हैं, इसको हमें तोड़ना है इस तरह करके। ये टमाटर को हमें बिल्कुल मसल देना है, ये बिल्कुल पेस्ट बन जाए इसका टमाटर का हमें, जब तक इसको कुचलना है। ये टमाटर को हमें कुचल के बनाना है इस तरह अंडे को। कुचल चुका है, अब मैं इसके अंदर जो धनिया मैंने काटी थी वो डाल दे रही। ये धनिया मैंने मिक्स कर दी है इसके अंदर। इसके अंदर कसूरी मेथी है, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं वरना मत डालें। ये हमारा कटाकट अंडा तैयार हो गया। 5 मिनट की रेसिपी है, इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसको चूल्हा बंद कर देती हूँ और मैं इसको डिश आउट करती हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।